नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति देवी काली। आज आपको करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, जीएस, पर्यावरण एवं अन्य कई विषयों में जो राष्ट्रपति संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आज आपके सामने रख रहे हैं। इनको देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आपके सुपर टेट में, टीटी में, के पर्यावरण पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़िए आप और हमको उत्तर दीजिए। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? पहला विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग तुरंत उत्तर भेजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय रहता है, जो 5 सेकंड में उत्तर भेज दीजिएगा उसी का उत्तर सर्वश्रेष्ठ रहेगा, उसी का उत्तर मान होगा। बाद में चीटिंग करके मत भेजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भेज दिया है। अब बहुत लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर भेजा है, यहाँ पर डी विकल्प सही है, भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने सदस्य राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? 8, 10, 12, 14। देखो ये आपके बीईओ एग्जाम में, मतलब जो है आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो आता है, बीआरसी वाला जो आता है, उसमें परीक्षा में ये पूछा गया है। तो इस आपके इस क्वेश्चन आपके पर्यावरण में भी इस प्रकार से क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान से पढ़िए, आपके करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का आपने जो है जो अभी उत्तर भेज दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा भेजा है। तो इसका अब आप उत्तर देखिए, इसका उत्तर विकल्प है सी, 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न किस में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है और पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद को। तो यहाँ पर आपने विकल्प देखा, लोकसभा भंग की जा सकती, राज्यसभा भंग की जा सकती, विधानसभा भंग कर सकती, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप विकल्प भेजें, तुरंत उत्तर भेज दिया करेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो तुरंत उत्तर भेजते हैं, अर्थात उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप लोग भी, सभी लोग तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, उत्तर आप गेस लगाइए तो आपका जो है माइंड चलेगा। तो यहाँ पर आपका जो है बी विकल्प सही होता है, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद द्वारा और संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से भेजिए। देखिए ये DIC जो है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं उनके लेक्चरर के पद में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, आपने भेजा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए डी विकल्प सही है, संसद एवं राज्य सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से इसमें कौन सा सही होगा। आप सबको ये क्वेश्चन आने चाहिए और नहीं आते हैं तो आप उसको तैयारी करिए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आपने उत्तर भेजा,
अब आप अपना सही विकल्प उत्तर देखिए। यहाँ पर सी विकल्प सही है, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जल्दी से बताइए। ये आपका हायर एजुकेशन में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 12, 8, 6, 4 जल्दी से भेजिए उत्तर। तो आपने भेज दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर उत्तर आप देखिए, ए 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला आप कूट वाला क्वेश्चन है, और पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। तो पहला है, संसद के दोनों सदस्यों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल होते हैं। दूसरा, राज विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यसभा राष्ट्रपति को चुनाव का आपको हम बात बताते हैं कि सांसद डालते हैं वोट, और जो सांसद जितने हैं चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, और विधान विधायक डालते हैं, चाहे जहाँ के विधायक हों वो वोट डालते हैं, चाहे वो विधान परिषद के हों चाहे वो विधानसभा के हों। तो यहाँ पर देखिए, संसद के दोनों सदन अर्थात सदन मतलब संसद सांसद की बात की जा रही है, राज्यसभा और विधानसभा डालते हैं लोकसभा, और विधानमंडल ये भी होता है सभी विधानसभा निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा विकल्प मिल रहा है, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला विकल्प डी विकल्प सही, 1, 3, 4। अर्थात कह रहे हैं कि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं डालते हैं, दोनों सदन नहीं डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पहला है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्त तक वो पर भी वो पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग जो है जल्दी से उत्तर भेजिए। तो सही होगा मतलब यहाँ पर कौन सा राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, निर्वाचक मंडल के पूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग और असेसमेंट वाला है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनता है, बिल्कुल सही है। तो अब इसमें कौन सही है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही है, ए आर दोनों सही है, ए का स्पष्टीकरण आर है, ए आर दोनों सही है किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप बताइए, भेजिए तुरंत। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप देख रही हैं कि बहुत सारे कंपटीशन में आए हैं। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प सही होता है आपका सी, ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो कौन यहाँ पर सही होगा, जल्दी से आप लोग विकल्प भेजें और तैयारी देखें कितना आप लोगों को आता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है डी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो कौन सा इसमें सही होगा? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से आप लोग भेज दीजिए, 5 सेकंड का समय, जल्दी से भेजें। बहुत अच्छा भेज रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखिए विकल्प कौन सा सही है, बी, केवल 2 सही है, 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, संसद में जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो यहाँ पर कौन नहीं है? तो यहाँ पर जल्दी से आप विकल्प भेजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे पढ़े लिखे कोई जरूरी नहीं, बाकी तो है तीनों चीजों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन ये, एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु क्या विकल्प सही है? चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसकी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो कौन सा इसमें उत्तर होगा? आप लोग तुरंत भेजिए, फिर हम उत्तर आपको दिखाते हैं, जल्दी से भेजें। बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने भेजा। अब आप उत्तर देखें, इसका सी विकल्प सही है, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला विकल्प देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के महान्यायाधीश, कौन सही होगा? जल्दी से भेजें। ए बी सी डी में कौन सही है? बहुत अच्छे उत्तर भेजते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहे। तो अब आपका विकल्प यहाँ पर पहला सही होता है, भारत के प्रधान जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो उसको कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्त से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान किस कितने समय में भर लेने जाना चाहिए? 90 दिन में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में, जल्दी से उत्तर भेजें। 90 दिन, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड। 5-6 लोग उत्तर भेजते हैं, और तो यहाँ पर आप बी विकल्प सही हो गए, 6 माह में। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो जो है वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को ए, दूसरे को वार का नाम दिया गया, नीचे एक कोड की सहायता से उत्तर देना है। राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कर्तव्य पर करने पर पदच्युत किया जा सकता है। तो बताइए, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, किंतु सही है, ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। जल्दी से उत्तर आप लोग भेजें, कौन सही होगा? आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं, आप लोगों से ही हमारा साहस है, और आप लोग अपने दोस्तों को भी इस चैनल को भेजें और उनके कहें सब्सक्राइब करें, उनको देखा करें। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही है, दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, केवल एक, केवल दो, और एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, कौन सही होगा? जल्दी से आप उत्तर भेजें। तो यहाँ पर आपने उत्तर भेजा और यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है सी, एक और तीन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, 53, 54, कौन सही होगा? आप लोग जल्दी से उत्तर भेजा करें। बस हम क्वेश्चन पढ़ें, आप लोग खट से पढ़कर तुरंत उत्तर भेजें तो आपका समय बचेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे। हमारा तात्पर्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो यहाँ पर आप देखें सी विकल्प सही, अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। तो इसका उत्तर आपको तो बहुत आना चाहिए। तो संघ की जो है कार्यपालिका है आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय गठन का कौन प्रमुख होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राजनीतिक प्रमुख, मंत्रिपरिषद। सही, जल्दी से भेजिए इसका उत्तर। इसका तो सबको आना चाहिए, गणतंत्र का प्रमुख आपका या संविधान का प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा के पुनर्गठन के बाद ही। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प बहुत अच्छे आते हैं, आप लोग भेजे तो पहला विकल्प ही सही होता है, राष्ट्रपति। दूसरा विकल्प, पहला नहीं, दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ये आपके पिछले साल टीटी में क्वेश्चन आया था, सुपर टेट में भी आया था। तो आप लोग बैक पेपर देख के, अंसाल पेपर देख के देख लीजिए। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये राष्ट्रपति द्वारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? 63, 108, अनुच्छेद 109, 111। यहाँ पर आपका डी सही है, अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखिए, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ विधि के प्रश्न की बात है, सर्वोच्च जो है बात आ जाए तो राष्ट्रपति को है। बी विकल्प यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की के राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से आप बताएं। तो अब आपका समय समाप्त होता है, पहला विकल्प सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प सही होता है डी, चारों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वक्तव्य दिए गए हैं, संघीय कार्यपालिका की मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ए आर दोनों सही है, आर सही स्पष्टीकरण है, और ए आर दोनों सही के स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही आर गलत है, ए गलत है आर सही। जल्दी से भेजिए उत्तर, क्या सही होगा आपके आपके जो है सुझाव के अनुसार, जल्दी से भेजें उत्तर। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि आपका सी विकल्प ए सही है, परंतु आर गलत है। इतनी इतनी जो है शक्तियों की सीमा नहीं, ये तो गलत है, सबकी सीमा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है,
प्रधान सेनापति के हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। आप कोटो का चयन करिए। ए आर दोनों सही, सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही, स्पष्टीकरण सही नहीं। ए सही, आर गलत, और ए गलत, आर सही। यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से आप बताइए, भेजें उत्तर जल्दी से भेजें। उतनी जल्दी हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखें, सी विकल्प सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इसमें कौन सा कोड सही है, तो यहाँ पर डी विकल्प देखें, पहला और तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उत्पन्न कर सकता है, तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को है, तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, वित्तीय बिल को पुनर्चार हेतु लौटाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नामपात्र, संवैधानिक और नामत। कौन सा कोड सही होगा, तो यहाँ पर आप देखें विकल्प डी, दो और चार सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, बी विकल्प देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है, बी न्यायिक शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भारत प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का कौन सही क्रम है, आप लोग बताएं जल्दी से, सही कौन क्रम है, आपको आना चाहिए, ये उत्तर आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, जल्दी से आप भेजें उत्तर। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, राजेंद्र प्रसाद एंड राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वसम्मति या निर्वोध से निर्वाचित राष्ट्रपति कौन से, एस राधाकरण, बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पर सी विकल्प सही है, एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो डी हृदय नाथ कुंजरू ने कहा था कि ये धोखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित नौ में से कौन सा सही नहीं है, तो बी विकल्प देखिए, वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता है, ये शक्ति उनमें से किस पर लागू होगी, तो ये आपका जो है बी विकल्प सही है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर लागू है। तो अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है, ये आप बताइए, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार दो कार्य अवधि पूर्ण की थी, ए डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए आर बी दोनों। तो इसका आप उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स पे भेजेंगे तुरंत, अभी की अभी हम आपका वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड उत्तर दिखाएंगे नहीं, आप इसको लगातार भेजिए। इसी के साथ आप चैनल को लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए और सब्सक्राइब भी करवाएं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। इसका उत्तर हम आपको सीधे कमेंट्स बॉक्स में लाइव चैट में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।